नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। स्वामी शिवमूर्ति मुर्गा मठ और स्वामी की गिरफ्तारी इस समय काफ़ी चर्चा में है और काफ़ी सवालों के घेरे में भी है। करीब 400 साल पुराना कर्नाटक के चित्रदुर्ग का मुर्गा मठ, जिसका समाज में खासा दबदबा है, जो 3 सदी से भक्तों की आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है, वो पिछले कुछ दिनों से गलत और गंदी वजहों से चर्चा में है। वजह है लिंगायत स्वामी डॉक्टर शिवमूर्ति मुर्गा शरणारू पर यौन शोषण के आरोप। ये आरोप लगाए हैं मठ के ही हॉस्टल में रहने वाली 2 लड़कियों ने। लड़कियों का कहना है कि उन्हें नशीली वस्तु खिला करके स्वामी मुर्गा ने उनके साथ गलत काम किया। मुर्गा का अपना मठ और खुद का हॉस्टल है। यहाँ पर 15-16 साल की 2 लड़कियाँ रहती हैं। दोनों ही लड़कियाँ हाई स्कूल की छात्राएं हैं और मठ के ही स्कूल में पढ़ने जाती हैं। मुर्गा मठ के अपने खुद के 150 से ज़्यादा स्कूल हैं, जहाँ पे हजारों बच्चे पढ़ते हैं। ये मामले की शुरुआत होती है कुछ दिन पहले, जब हॉस्टल की 2 लड़कियाँ स्वामी मुर्गा के खिलाफ शिकायत लेकर के चित्रदुर्ग के थाने में जाती हैं। पुलिस उनकी शिकायत दर्ज नहीं करती। दोनों लड़कियाँ बेंगलुरु जा कर के शिकायत दर्ज करवाने की कोशिश करती हैं, लेकिन वहाँ भी उनकी नहीं सुनवाई होती। थक हार करके ये बच्चियाँ घर लौट आती हैं और लड़कियों के परिवार वालों के अनुसार अगर उनकी बात सुने तो दोनों बेहद परेशान रहती थी। रात रात भर उन्हें नींद नहीं आती थी और नींद आने पर चीख चिल्ला करके उठ जाती थी, यानी कि वो अपने बिस्तर में चैन से सो नहीं पाती थी। उनके चेहरे पे हर वक्त एक खौफ तैरता रहता था। अपनी बच्चियों से जब परिवार वालों ने थोड़ा प्यार से इसकी वजह पूछी तो उन्होंने जो बताया सुनकर के परिवार भी कांपने लगा। स्वामी शिवमूर्ति मुर्गा बेहद बेहद पावरफुल माने जाते हैं और समाज में उनकी काफ़ी धाक है। ऐसे में लड़कियों का उनके ऊपर इस तरीके से आरोप लगाना, ये कहना कि उन्होंने उनके साथ यानी कि लड़कियों के साथ गलत काम किया है, परिवार भी काफ़ी सोच में पड़ जाता है। लेकिन बच्चियों की ऐसी हालत देख करके परिवार उनका साथ देता है, आगे आता है और फिर मैसूर में जा करके स्वामी जी के खिलाफ FIR दर्ज करवाई जाती है। जब मामला काफ़ी तूल पकड़ लेता है तो स्वामी मुर्गा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब आप देखिए, जैसे ही सेक्स स्कैंडल में स्वामी का नाम आता है, चित्रदुर्ग में सनसनी फैल जाती है। स्वामी शिवमूर्ति मुर्गा लिंगायत समाज के धर्मगुरु हैं और उनको इस समाज के लिए किए जाने वाले काफ़ी सारे सामाजिक कार्यों के लिए जाना जाता है। ऐसे में उनके साथ अगर कोई ऐसा कहना चाहिए कि सेक्स का मामला जुड़ता है तो उनके भक्तों में, उनके चाहने वालों में हड़कंप मचना लाजमी सा हो जाता है। दोनों लड़कियों के नाबालिग होने की वजह से स्वामी शिवमूर्ति पर पॉक्सो एक्ट के तहत FIR दर्ज होती है। इसके अलावा उन पर अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निरोधक कानून के प्रावधान भी जोड़ दिए जाते हैं। दरअसल दोस्तों, स्वामी के खिलाफ जिन 2 लड़कियों ने आरोप लगाए हैं उनमें एक लड़की अनुसूचित जाति से आती है। दोनों पीड़िता CRPC की धारा 164 के तहत मैजिस्ट्रेट के सामने बयान भी दर्ज करवा चुकी हैं। इस मामले में स्वामी मुर्गा के अलावा एक और पुजारी और एक हॉस्टल वार्डन भी हैं जिनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। इसके अलावा मठ के एक प्रशासनिक अधिकारी SK बास वराजन के खिलाफ भी FIR दर्ज हुई है। एक अन्य लड़की ने बासवराजन के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। उस लड़की का ये आरोप है कि उन
दोनों लड़कियों ने स्वामी के खिलाफ शिकायत की तो उन्हें जबरन हॉस्टल से बाहर कर दिया गया और उस पर लड़की ने सवाल खड़े किए, जिसके बाद बासफराजन ने इस लड़की के साथ गलत काम करने की कोशिश की और जान से मारने की धमकी भी दी। बासफराजन के खिलाफ हुई एफआईआर में उनकी पत्नी को भी इस काम में लिप्त बताया गया है। उन पर इस मामले में पति का साथ देने का आरोप लगाया गया है। और मुर्गा मठ की स्थापना मैं आपको बता दूं कि 1703 में हुई थी। मठ को कई सामाजिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक कामों के लिए जाना जाता है और समाज में इस मठ का काफ़ी रुतबा है। आरोपी स्वामी दष्टा मुर्गा शिव मूर्ति का भी इस मठ को मजबूत बनाने में अहम योगदान माना जाता है। खासकर मुर्गा ने दलितों को भी इस मठ से जोड़ा और ऐसे में ये स्कैंडल उनके साथ जुड़ गया तो कोई भी खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। और लिंगायत समाज से आने की वजह से राजनीतिक गलियारों में भी इसकी काफ़ी चर्चा है, इसलिए इतने संगीन आरोपों के बावजूद आरोपी की गिरफ्तारी को लंबे समय तक टाला जाता रहा। हालांकि बाद में सामाजिक दबाव के बाद उन्हें हिरासत में लिया गया और अब स्वामी मुर्गा की मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही है। अच्छा, ये कोई पहला मामला नहीं है कि ऐसा स्कैंडल किसी मठ के साथ जुड़ा हो। कर्नाटक में मठों के साथ ऐसे स्कैंडल जुड़ते रहे हैं। कई घटनाएं टाइम टू टाइम सामने आती रही हैं जिन्होंने ऐसे धार्मिक संस्थानों की छवि धूमिल की है। 2017 में कर्नाटक के कोप्पल जिले में कलमठा मठ में एक स्कैंडल इसी तरीके का सामने आया था। तब मठ के पुजारी ने कोटुरेश्वर का एक वीडियो सामने आया था उस पुजारी का, जिसमें वो एक महिला के साथ काफ़ी आपत्तिजनक स्थिति में थे। वो महिला मठ में खाना बनाने का काम करती थी और स्वामी कोटुरेश्वर के ड्राइवर ने ही उनका वीडियो बनाया था। और इस वीडियो के लीक होने के बाद भक्तों ने स्वामी जी का काफ़ी विरोध किया। कलमठा मठ के 400 साल पुराना है ये मठ और कोटुरेश्वर 1995 से इस मठ के पीठाधीश थे। कोटुरेश्वर के ड्राइवर ने ये आरोप लगाए थे कि ये जो वीडियो बनाया है ये उनके कहने पे ही बनाया गया था और उनके कहने पे बहुत सारी लड़कियां भी वो उन्हें सप्लाई करता था। हालांकि बाद में फिर वो मुकरता है कि उसने ये वीडियो नहीं बनाया। इसी तरह 2012 में श्याम भट्ट के स्वामी नित्यानंद के भी इसी तरीके के स्कैंडल ने पूरे देश में हलचल मचा दी थी और उन्हें जेल जाना पड़ा था। स्वामी नित्यानंद की जो सीडी स्कैंडल की थी एक टेलीविजन चैनल ने चला दी थी, जिसमें वो एक साउथ के हीरोइन के साथ और एक विदेशी महिला के साथ काफ़ी गलत स्थिति में देखे जा रहे थे। स्वामी के एक शिष्य ने उनके कमरे में खुफिया कैमरा लगा करके ये सीडी बनाई थी और इस सेक्स सीडी ने कर्नाटक समेत पूरे देश में भूचाल मचा दिया था। स्वामी नित्यानंद पर गलत काम करने, धार्मिक भावनाएं भड़काने, आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के काफ़ी सारे आरोप लगे थे और सीडी के जगजाहिर होने के बाद स्वामी के खिलाफ लोगों में काफ़ी आक्रोश बढ़ गया था। उन्हें गिरफ्तार किया गया और 52 दिनों तक वो जेल में रहे और स्वामी नित्यानंद को अपना पद भी गंवाना पड़ा और लंबे समय तक इस स्कैंडल की चर्चा होती रही। अब आप जानना चाहेंगे कि स्वामी शिवमूर्ति मुर्गा शरणारू कौन है। तो ये स्वामी जी 1991 से मठ के प्रमुख हैं। 11 अप्रैल 1958 में जन्म लेते हैं ये और इनके बारे में और कई बातें बताई जाती हैं जो काफ़ी गुड़ी गुड़ी हैं, जिसकी वजह से उनकी स्वीकार्यता पूरे कर्नाटक में है। उन्होंने आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों की शादियां करवाई, इसके लिए सभी समुदायों के लोगों की शादियां वो हर 5 तारीख को करवाते थे एज ए सामूहिक विवाह के तौर पे। उन्होंने हाशिए पर रहे समूहों को भी अपने धार्मिक मठ में स्थान दिया, उन्हें प्रोत्साहित किया और दुनिया भर की यात्रा की
और बसवा की विचारधारा के प्रसार में भी उन्होंने अहम योगदान दिया। उनके नेतृत्व में मुर्गा मठ कर्नाटक में 150 से ज़्यादा आध्यात्मिक और शिक्षण संस्थान चलाता है। एक और बात जो अक्सर होती है, शिवमूर्ति मुर्गा शरणारू राज्य के सबसे प्रमुख लिंगायत मठ के प्रमुख है। लिंगायत समुदाय का राजनीति में भी गहरा प्रभाव है, राजनीति से गहरा जुड़ाव है। कर्नाटक के मौजूदा मुख्यमंत्री बोम्मई से लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा तक लिंगायत समुदाय से हैं। और अब जब विधानसभा सिर पे हैं और प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, इसमें हार जीत का फैसला लिंगायत समुदाय से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, न जाने क्यों जो धर्म से जुड़े होते हैं, जो समाज के लिए बहुत कुछ करते हैं, अचानक ऐसे कामों में जुड़ जाते हैं जहाँ पहले से ही जुड़े रहते हैं। बड़ा अफसोस होता है ऐसी घटनाओं को देख करके, जैसे कि मैंने आपके साथ 2-3 घटनाएं शेयर की। और शिवमूर्ति मुर्गा इस समय गिरफ्त में है, आप क्या कहते हैं ऐसे मामलों पर, मुझे आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। और एक बात, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, और अगर ये वीडियो, ये कंटेंट आपको अच्छा लगे तो इसे आप अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। फिलहाल इतना ही दोस्तों, आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।